औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, एज़ यू नो आई एम प्रोफेसर चंद शहज़ाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट अकेडमी। इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द उर्दू रीडर्स एंड द इंग्लिश रीडर्स। इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैंने बताया कि हाउ टू एक्सप्लेन। इसमें बेटा आपके जो मेन पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, ये शिमला डेपुटेशन है। आप जब शिमला डेपुटेशन लिखने के लिए जाएंगे तो 9th और 10th में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हाउ टू एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट योर आंसर, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर, ठीक है, उनको पता है। लेकिन जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, जो मुझे नहीं जानते या पहली दफ़ा मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बताता चलूं कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे, तो शुरू में भी बताया था कि जब शिमला डेपुटेशन को लिखेंगे, तो शिमला डेपुटेशन में कब हुआ, 1906 में हुआ, ठीक है, कितने लोग गए, टॉप 35 पॉलिटिकल लीडर्स, तो आपने इसमें 1906 को 35 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को, ठीक है, हेडशिप किस में, सर आगा खान को, इसमें जो है वो मेजर 1906 35 सर आगा खान, लॉर्ड मिंटो, शिमला सेपरेट इलेक्टोरेट, इस तरह के जो लव्स हैं, इनको आप लोगों ने ब्लैक पॉइंटर, अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक पॉइंटर के साथ उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का और कोई फायदा नहीं होगा। यह फायदा जरूर होगा कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा, उसको यह पता होगा कि इस बच्चे को एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आता था। देखिए, दुनिया में वो लोग कामयाब होते हैं ना, इसमें पढ़ा लिखा होने का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता कि पढ़ा लिखा इंसान का ये, अगर पढ़ा लिखा होकर भी इंसान अपने मोटो को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन ना कर सके, तो उस पढ़ा लिखा होने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात जो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं उनके पास, तो वो अपने जो मोटो हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, उनको इस अंदाज़ में दूसरे लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि वो उनको कायल कर लेते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एग्जामिनर को कायल करना होता है। ये एक इनडायरेक्ट डिस्कशन होती है जो एक स्टूडेंट के और एक सब एग्जामिनर के दरमियान हेल्ड होती है, अरेंज होती है। आप उसमें आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपने एग्जामिनर को थोड़ा सा इम्प्रेस कर लें, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो तरीका आपको बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले 10-10, 12-12 सालों से पेपर चेक भी करते हैं, पेपर बनाते भी हैं, तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन जब आप लोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है। और अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हो तो फिर भी आपको पता चलेगा कि आप उसमें, तो आज मैं एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग बताऊंगा, बल्कि समझाऊंगा कि आपने कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन ही है, वो क्या है, मुस्लिम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1906, ये आपका पहला टॉपिक है। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1857 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ था, 1906 में। तो इसके दरमियान जितने भी होने वाले मेजर इवेंट्स हैं, आप उनको लिख लें अपने पास, जो मुस्लिम स्ट्रगल थी वो क्या क्या थी। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश रूल कब आया, तो जो क्राउन इम्पोज हुआ, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1858 में क्राउन मुकम्मल तौर पर सब कॉन्टिनेंट में आ गया, यही यानी कि एक टाइटल बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से ब्रिटिश क्राउन का, वो एक वॉयस आया था, तो वो अपनी तमाम के तमाम जितने भी इकदाम होते थे इसके हवाले से वो करते थे और फिर वापस चले जाते थे। तो एसेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश, ये आया। फिर उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट
एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट्स, ठीक है, हिंदुओं की शिद्दत पसंद तहरीकें, और उन तहरीकों में एक तहरीक जो थी वो थी आर्या समाज, और आर्या समाज तहरीक में क्या हुआ कि एक इनके राइटर थे चैटर्जी, ठीक है, चैटर्जी इनके राइटर थे, उन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम अनंत मात था, अनंत मात, और अनंत मात में उन्होंने एक स्लोगन लिखा, एक एंथम लिखा जिसको वंदे मातरम कहते हैं, आप ये वंदे मातरम जो नेशनल एंथम था इसको हिंदू जूं जूं सुनते थे, वो मुसलमानों के साथ उनके क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते थे, मुसलमानों के साथ उनके हालात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते चले गए, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो नेगेटिव होते गए मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, यानी कि दोनों के दरमियान क्राइसिस बढ़ते गए, फिर फाइनली क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की सूरत में हमारे यहाँ। उसके बाद जो है, जो सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ मूवमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस के साथ इसको लिखें, अलीगढ़ मूवमेंट इसको तहरीक अलीगढ़ कहते हैं, तहरीक अलीगढ़। अब इसमें आप ये याद रखना है कि 1858 में और 1862 में गाज़ीपुर और मुरादाबाद में इन्होंने इंस्टीट्यूशन खोले, फिर 1875 में इन्होंने एक MAO के नाम से स्कूल खोला, फिर उसको अपग्रेड करके 1877 में उसको कॉलेज का दर्जा दिया गया, ठीक है, कॉलेज का दर्जा दिया गया, और यही 1921 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तौर पे सामने आया, यानी इस तमाम के तमाम को तहरीक-ए अलीगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है, ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ तहरीक-ए अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान, समझ आ रही है बेटा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको तकसीम बंगाल कहा जाता है। अब तकसीम बंगाल में आपने जो मेजर पॉइंट्स याद करने हैं वो आपने ये करने हैं कि तकसीम बंगाल कब हुआ, 1905 में, किसके दौर में हुआ, लॉर्ड कर्जन के दौर में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के दौर में क्या हुआ, किस बेस पे इसको किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, यानी कि एरिया बहुत बड़ा था, उसको एक गवर्नर हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए इसमें क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया गया। तकसीम बंगाल जो है ये भी एक बहुत बड़ा सानिया था, जो बाद में अब आप इसमें कुछ अगर आपने ऐड करना है वो ये भी करना है कि इसमें भी हिंदुओं ने बहुत जो है वो इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद 1911 में यानी कि 1911 में तकसीम बंगाल दोबारा इलहाक हो गया, यानी कि मर्ज हो गया दोबारा सब कॉन्टीनेंट में, यानी कि वो अपने जो मामलात थे उनको चलाने में नाकाम हो गए, और नाकामी की वजह से बंगाल दोबारा सब कॉन्टीनेंट में इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया। उससे पहले बंगाल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स थे, जितने भी डिफेंस वगैरह से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, वो सारे वो इंडिविजुअली सॉल्व करते थे, लेकिन इस दौरान यानी कि फ्रॉम 1905 से टिल 1911 इन किसके दरमियान दे
they had failed to do, there had been state political, economical and the other issues, वो उनको अच्छे तरीके से नहीं चला पाए. तो finally फिर क्या हुआ कि it was annulled in the subcontinent, वो subcontinent में दोबारा शामिल हो गया. और हिंदुओं की कोशिश और ख्वाहिश यही थी कि वो बंगाल को अलग ना होने दें, क्योंकि जब भी तारीख में बात आई है तो तकसीम बंगाल के हवाले से, तो हमेशा यही हुआ कि हिंदुओं ने इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन किया. यही वजह थी कि जब पाकिस्तान भी सब कॉन्टिनेंट में इंडिया से अलग हुआ, दो अलग रियासतें बन गई, एक इंडिया बन गई पाकिस्तान, तो जो इनिशियल स्टेज थी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें हिंदुओं ने तकरीबन तारीख में किताबों में लिखा हुआ है मोर देन 50 लाख, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया, कत्ल किया, ठीक है, लारी अड्डों के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर. चले ये लंबी बहस है, हम लोग टू द पॉइंट आते हैं, गप्पे नहीं मारनी, ठीक है. आप लोगों ने भी टू द पॉइंट लिखना है. पार्टीशन ऑफ बंगाल में दीज आर द मेन पॉइंट्स, ये आपने इंक्लूड कर लिए, बहुत अच्छी बात है. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शिमला डेपोटेशन एंड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. तो यहाँ पर शिमला डेपोटेशन, बस शिमला डेपुटेशन बेटा आप लोगों ने इसको लिखना है और फिर इसके पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. शिमला डेपुटेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आएगा, आपको पता होना चाहिए ये कब हुआ, 1906 में, कितने 35 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, ये आप लोगों ने याद रखना है, टॉप 35 पॉलिटिकल लीडर्स. फिर हेडशिप किसकी थी, सर आगा खान, सर आगा खान आप लिखेंगे. आप किससे मिले, कहाँ गए, शिमला. किससे मिले, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो मिले को मिले. और उनका जो डिमांड था वो क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि उनकी जो डिमांड थी, फंडामेंटल डिमांड, वो जुदागाना इंतखाबात थे. तो उर्दू वाले बच्चे भी ये याद रखें कि आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, आप सबसे पहले इंतज़ामी यहाँ पर 1905 तो उसी तरीके से लिखेंगे, फिर आगे लॉर्ड कर्जन को आपने उसी तरीके से लिखना है, ठीक है. इंतज़ामी अमूर के हवाले से इश्यूज आ रहे थे, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स थे. आप टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, आप 35, ठीक है, सीनियर जो सियासतदान थे, 35 सियासतदानों पर मुश्तमिल, ठीक है. एक डेलीगेशन गया, कहाँ पर गया, जिसकी सरबराई सर आगा खान कर रहे थे, ठीक है. और कहाँ गया, शिमला गया, ठीक है. किससे मिला, लॉर्ड मिंटो को. डिमांड क्या थी, जुदागाना इंतखाबात. ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं. तो बेटा आप लोगों ने ये याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को जब लिखने के लिए जाते हो तो आप ये याद रखें कि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मूवमेंट की जब बात आएगी तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि दीज आर द मेन पॉइंट्स, ये यहाँ तक ये मेन पॉइंट्स हैं. उसके बाद जब अलीगढ़ मूवमेंट लिखेंगे तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हों, फाउंडर कौन था, यहाँ और यहाँ उन्होंने क्या किया, फिर अलीगढ़ मूवमेंट इसको क्यों कहा जाता है, 1875 की एग्जांपल देंगे, 77 की एग्जांपल देंगे, 1921 की एग्जांपल देंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम तक. फिर उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल में 1905 का देंगे, लॉर्ड कर्जन का, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स का देंगे. फिर उसके बाद शिमला डेपुटेशन पर जब आप आएँगे तो 1906, फिर टॉप 35 पॉलिटिकल लीडर्स, फिर उसके बाद हेडशिप ऑफ सर आगा खान, शिमला, और उसके बाद लॉर्ड मिंटो से मिले, ठीक है. लॉर्ड मिंटो के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द फंडामेंटल डिमांड ऑफ दैट डेलीगेशन. उस डेलीगेशन का जो फंडामेंटल डिमांड था वो क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट. एंड द रिस्पॉन्स वॉज द
वॉइस रहा है वो था इनकरेजिंग, ठीक है। जो रिस्पांस था तो रिस्पांस को भी आप लिखेंगे कि जो उनकी तरफ से राय आई वो इनकरेजिंग थी। तो इस तरीके से आपने लॉन्ग क्वेश्चन को, मैंने जहाँ पर कलर चेंज किए था कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो इसी तरीके से बेटा आप लोगों ने जब लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए जाना है तो यू मस्ट एक्नॉलेज हाउ टू एक्सप्लेन द लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द हेडिंग एंड यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ दिस हेडिंग। आपने शॉर्ट में भी ये याद रखना है एंड इन द लॉन्ग क्वेश्चन दैट यू मस्ट नो व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस हेडिंग दिस हेडिंग दिस हेडिंग। तो आपको जब ये हेडिंग्स के अंदर वाले जो मेन पॉइंट्स भी याद होंगे उनको आप हाईलाइट करेंगे तो दैट यू विल बी एबल टू गेट 100% मार्क्स इन द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, यू हैव अ ग्रेट चांस टू। और उसमें फिर इसी तरीके से आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने आपको बताया जिसमें तहरीके खिलाफत था, खिलाफत मूवमेंट था, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, उनके हेडिंग्स बने हुए हैं। पर जिनके हेडिंग्स बने हुए होते हैं मैंने आपको सबसे पहले बताया था व्हेन वी डिस्कस्ड स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम फ्रॉम 1857 टू 1906 दैट वी कैन ड्रॉ माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट ऑन द फर्स्ट पेज एंड आफ्टर दैट वी एक्सप्लेन आर हेडिंग्स वन बाय वन विद द मेन पॉइंट्स। हम उन मेन पॉइंट्स के साथ अपनी हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसी वजह से फिर हम लोग पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए बिल्कुल डिज़र्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें मेरे ख़्याल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने डिस्कस ना की हो, या अब लॉन्ग क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम लोग टिक करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। वैसे तो इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आपके सामने ही हैं सारे टॉपिक, मैंने हर टॉपिक अलग से आपको डिस्कस किया है। तो बेटा कोशिश करें कि लॉन्ग क्वेश्चन को एग्ज़ाम में, आइडिया मैंने बता दिया है, ये आइडिया ये ड्रॉ नहीं करेंगे आप, ये सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए मैंने बताया, ये ड्रॉ नहीं करेंगे, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आप अपने घर ड्रॉ कर सकते हैं, आप फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में ड्रॉ नहीं करेंगे। फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप ड्रॉ करेंगे माइंड मैप को तो आप सिर्फ हेडिंग उसमें मैंशन करेंगे, आपने पॉइंट्स मैंशन नहीं करने। पॉइंट्स तब मैंशन करने हैं जब आप इस हेडिंग को आगे अगले पेज पर जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पेज वाइज जो मार्किंग है क्वेश्चंस की वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।